नमस्कार, सत्यहिंदी डॉट कॉम में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सीआरपीएफ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को बताया है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सुरक्षा दिशा निर्देशों के मुताबिक ही की गई और कांग्रेस नेता ने भारत जोड़ो के दिल्ली पहुंचने पर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया था। सीआरपीएफ ने कहा कि राहुल गांधी ने साल 2020 से अब तक 113 बार सुरक्षा प्रोटोकॉल को तोड़ा है। बता दें, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली पहुंचने पर कई जगहों पर राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक दिखाई दी थी। केसी वेणुगोपाल ने पत्र में लिखा था कि दिल्ली पुलिस उस दौरान बढ़ती हुई भीड़ को नियंत्रित करने और राहुल गांधी के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाए रखने में पूरी तरह फेल साबित हुई। कांग्रेस के पत्र के जवाब में सीआरपीएफ की ओर से कहा गया है कि सुरक्षा इंतजाम तभी बेहतर साबित होते हैं जब सुरक्षा हासिल करने वाला शख्स सुरक्षा को लेकर जारी दिशा निर्देशों का पालन करता है। सीआरपीएफ ने कहा है कि कई मौकों पर राहुल गांधी की ओर से सुरक्षा को लेकर दिए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया है और इस बारे में उन्हें समय समय पर बताया भी गया है। राहुल गांधी को Z+ सिक्योरिटी हासिल है। भारत में पिछले एक दिन में यानी बुधवार को कोरोना संक्रमण के 268 मामले सामने आए हैं। इससे पहले मंगलवार को 188 मामले सामने आए थे। एक दिन में कोरोना के 2,36,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए। नए मामलों के साथ ही देश भर में कोरोना के कुल सक्रिय मामले 3,552 हो गए हैं। देश में 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से 2 मौतें हुई हैं। ये मौतें केरल और महाराष्ट्र से हुई हैं। भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ पुलिस ने चाकू रखने वाले उनके बयान को लेकर FIR दर्ज कर ली है। न्यूज़ एजेंसी PTI के मुताबिक प्रज्ञा के खिलाफ शिवमोगा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष HS सुंदरेश की शिकायत पर कोटे पुलिस थाने में यह FIR दर्ज की गई है। प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ धर्म के आधार पर अलग अलग समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने सहित कई आरोपों से संबंधित धाराओं में FIR दर्ज की गई है। बता दें, प्रज्ञा ठाकुर ने 25 दिसंबर को हिंदू जागरण वैद्य के नाम के संगठन के कार्यक्रम में यह भड़काऊ बयान दिया था। प्रज्ञा ठाकुर ने कार्यक्रम में कहा था, उनके वहां लव जिहाद की परंपरा है। वो प्यार करते हैं तो इसमें भी जिहाद करते हैं। हम भी प्यार करते हैं, ईश्वर से प्यार करते हैं और एक सन्यासी अपने ईश्वर से प्यार करता है। प्रज्ञा ठाकुर ने आगे कहा था, अपने घरों में हथियार रखें और अगर कुछ नहीं है तो सब्जी काटने वाले चाकू की धार तेज कर लें। कोई नहीं जानता कि कैसी स्थिति आएगी। हर किसी को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है। अगर कोई हमारे घरों में घुसता है और हम पर हमला करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब देना हमारा अधिकार है। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था कि जब हमारी सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह और सिर भी अच्छे से कटेंगे। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के रोड शो में बुधवार शाम को जबरदस्त भगदड़ मची और इस दौरान कई लोग एक नाले में गिर गए। इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री नायडू इन दोनों राज्य के कई हिस्सों में इदेमी खरमा मना राष्ट्रनीति की यात्रा निकाल रहे हैं, जिसका मतलब होता है कि हमारा राज्य इस हालात का सामना क्यों कर रहा है। ये घटना आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के कुंदुकुर में हुई। पुलिस के मुताबिक मौके पर बड़ी संख्या में TDP के कार्यकर्ता और समर्थक जुटे थे। जैसे ही चंद्रबाबू नायडू मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित करने पहुंचे तो ज्यादा भीड़ होने की वजह से भगदड़ जैसे हालात बन गए। ज्यादा लोगों के एक नाले पर चढ़ जाने की वजह से इसकी सीमेंट की रेलिंग टूट गई और कई लोग नाले में गिर गए। नाले में गिरने के बाद 3 लोगों की मौत दम घुटने से उसी वक्त हो गई, जबकि 2 लोगों की मौत अस्पताल ले जाते वक्त हुई और 3 लोगों की मौत इलाज के दौरान हुई। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान को लेकर मचे बवाल के बीच अब केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने फिल्म निर्माताओं को सलाह दी है कि वो फिल्म के गानों समेत जो और बदलाव सुझाए गए हैं उन्हें लागू करें, फिर इसको सर्टिफिकेशन के लिए पेश करें। CBFC के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने कहा, CBFC अभिव्यक्ति और दर्शकों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहा है। रिलीज होने से पहले फिल्मों को जो पड़ाव पार करने होते हैं, पठान उन पड़ावों से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की संस्कृति गौरवशाली है, ऐसा कुछ ना परोसा जाए जिससे इसे ठेस पहुंचे। तमिलनाडु के गांव में दलितों के पीने के पानी के टैंक में मल डालने का मामला सामने आया है। गांव का नाम वेंगई वयाल है और ये पुडुकोट्टई जिले में है। निश्चित रूप से जाति आधार पर नफरत और घृणा का ये घिनौना मामला है। दरअसल वेंगई वयाल गांव के लोगों ने शिकायत की थी कि पिछले कुछ दिनों में गांव में कई बच्चे बीमार पड़ गए हैं। डॉक्टर ने बताया कि पीने का पानी इसके पीछे एक वजह हो सकती है। इसके बाद कुछ लोग पीने के पानी के टैंक पर चढ़े और अंदर देखा। NDTV के मुताबिक 10,000 लीटर पानी की क्षमता वाले टैंक के अंदर से भारी मात्रा में मल मिला। इस वजह से टैंक का पानी पीला हो गया था। यहाँ के राजनीतिक कार्यकर्ता मोक्ष गुनावलगन ने NDTV को बताया कि क्योंकि लोगों को उस बारे में पता नहीं था और इसलिए वो अनजाने में इस टैंक के पानी को पी रहे थे। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है।
पुदुकोट्टई जिले के जिलाधिकारी कविता रामू ने एनडीटीवी को बताया कि अभी तक पानी के टैंक पर चढ़ने और इसमें मल फेंकने के संबंध में किसी को देखे जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। बीजेपी ने इस मामले के सामने आने के बाद जांच के लिए इस गांव में एक टीम भेजी है। गांबिया के बाद अब उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि एक भारतीय दवा कंपनी द्वारा निर्मित दवाओं का सेवन करने के बाद देश में कम से कम 18 बच्चों की जान चली गई है। उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि मरने वाले बच्चों ने नोएडा स्थित मैरियन बायोटेक द्वारा निर्मित डॉक वन मैक्स सिरप का सेवन किया था। मंत्रालय ने दावा किया है कि अब तक सांस की गंभीर बीमारी वाले 21 में से 18 बच्चों की मौत डॉक वन मैक्स सिरप लेने के कारण हुई है। बता दें, कुछ महीने पहले ही गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत का मामला सामने आया। गाम्बिया में बच्चों की मौत के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा भारत की एक दूसरी फार्मा कंपनी मेडेन फार्मास्यूटिकल्स को लेकर आगाह किया गया था। भारत में बने कफ सिरप के सेवन से गाम्बिया में कथित तौर पर बच्चों की मौत के बाद अब उज्बेकिस्तान में भारतीय दवा के सेवन से मौत की शिकायत से खलबली मची है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत में निर्मित दवा कंपनियां मानकों का ध्यान नहीं रख रही हैं। गाम्बिया के मामले में जहां विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने चेतावनी दी थी, वहीं अब उज्बेकिस्तान के मामले में सहयोग का भरोसा दिया है। इधर भारत में भी इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। द इंडियन एक्सप्रेस ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से लिखा है कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की कथित तौर पर एक भारतीय फर्म द्वारा निर्मित खांसी की दवाई से मौत के मामले में जांच शुरू की है। WHO ने ANI के एक ईमेल के जवाब में कहा, WHO उज्बेकिस्तान में स्वास्थ्य अधिकारियों के संपर्क में है और आगे की जांच में सहायता करने के लिए तैयार है। भारत के साथ हुई दो टेस्ट मैचों की सीरीज में बांग्लादेश की 2-0 से हुई हार के बाद अब बांग्लादेश के हेड कोच रसल डोमिंगो ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बीते मंगलवार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अपने फैसले के बारे में बताया। इससे ठीक 2 दिन पहले ही भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज खत्म हुई, जिसमें भारत ने 2-0 से जीत हासिल की थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।